ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य की तारीख है 15 अप्रैल 1974 और मुरली का शीर्षक है विघ्न विनाशक बनकर अंगत समान माया पर विजय प्राप्त करो। विघ्न विनाशक विश्व पालक और माया पर विजय प्राप्त कराकर उमंग और उल्लास को बढ़ाने वाले शिव बाबा बोले, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? बढ़ती कला की निशानी क्या है, क्या वह जानते हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? यह विघ्नों को देख विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है, इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे। तो क्या ऐसे अनुभव करते हो? यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ऐसे कैसे चलेगा? यह जो संकल्प चलते हैं इसको हलचल कहा जाता है। हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बहिर्मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अर्थात अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हुआ वह होना ही चाहिए। अगर ऐसा संकल्प ड्रामा के होने पर भी उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक यह क्यों क्या का क्वेश्चन का अर्थ है हलचल। विघ्न आना आवश्यक है और जितना विघ्न आना आवश्यक है अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एकरस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर क्या आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं या कर्मेंद्रिय की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिलाती हैं? जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जो प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती हैं क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? आप समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है।
या आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, यही तो पेपर है। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। पहले तो सूर्यवंशी का राज्य होगा ना, चंद्रवंशियों का नंबर पीछे होगा, तो उनका राज्य के तख्तनशीन बनने की क्यू में नंबर आएगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्ठी रखते हो ना, इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना, दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके। सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं। सूली से कांटा बने और कांटे को फिर योगा अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटों को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना है, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे बढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक महारथी नंबर वार यथा शक्ति पहुँचे हैं। अब पहुँचना वहाँ तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना, मजबूत घेराव डाला हुआ है। या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं, अथवा थक तो नहीं जाते, या चलते चलते रुक तो नहीं जाते हो ना। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे थे वैसे रहना, वह पाठ तो पक्का नहीं करते। समय धक्का लगावेगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच जहाँ के तहाँ रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का तो इंतज़ार करते हुए खड़े नहीं हो गए हो, तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे। क्या इसको ही तो अंगद की स्टेज नहीं समझते हो। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, तो फिर बर्फ़ को गलाने के लिए वह उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ़ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्धि होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब की रिजल्ट में ऐसे आधा ही चल रहे हैं, इसीलिए इसको आगे बढ़ाओ। यह रिजल्ट क्या पुरुषोत्तम आत्माओं को अच्छी लगती है। इसलिए ना पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, ना माया से हार खाने के लिए अंगद बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनना है। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, और योगी तू आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।